टेलीविजन, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, इन तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता तो है। हाँ भाई, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जो भी टेलीविजन या बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज जो होते हैं, वो कभी ना कभी पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करते हैं। और इसी तरह आज हमारी अनुपमा शो की एक्ट्रेस रूपाली गांगोली, जिनको आप अनुपमा के कैरेक्टर में देखते हैं, उन्होंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रूपाली गांगोली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आज ही रूपाली गांगोली के कुछ वीडियोस जो हैं वह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अनुपमा उर्फ रूपाली गांगोली जो है वह बीजेपी ज्वाइन करती हुई नजर आ रही हैं। रूपाली गांगोली ने कल ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके को एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं, उनका कहना है कि उन लोगों को भनक भी नहीं पड़ी इस बात की कि रूपाली पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली हैं। लेकिन उनका कहना है कि रूपाली दिल की बहुत अच्छी लेडी हैं और वो अपने कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, तो इसलिए वह पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हैं और वह कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगी। वहीं रूपाली गांगुली का कहना है कि वह मोदी जी के संरक्षण में काम करना चाहती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। रूपाली ने ये भी कहा कि वह पॉलिटिशियन बनना चाहती थी क्योंकि वह महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, उसी तरह से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रूपाली गांगुली जो है वो भी पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करेंगी। रूपाली गांगुली टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो भाई, आप लोगों को क्या लगता है, रूपाली गांगुली पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा कमाल दिखा पाएंगी या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद।